एक गांव में धनी राम रहता था, रहता था, रहता था। उसकी बीबी लीलाबाई, लीलाबाई, लीलाबाई। डिंग टिका टिका टिका, डिंग टिका टिका, डिंग टिका टिका टिका, डिंग टिका टिका, डिंग टिका टिका टिका, डिंग टिका टिका टिका, डिंग टिका टिका टिका, डिंग टिका टिका। दोनों बड़े प्यार से रहते थे। पाने काजलियो पर नालू कान नैना मैं मालूरा, पलका में बंद करी रखूली ओ रा, पलका में बंद करी रखूली। कदिंग चिका चिका चिका, दिंग चिका चिका चिका, दिंग चिका चिका चिका, चिका चिका दिंग चिका चिका चिका, दिंग चिका। एक दिन धनी राम लीलाबाई से कहता है, मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी लाने के लिए, और वो बाजार चला जाता है। पीछे से लीलाबाई घर का काम करने लग जाती है, और उसकी पांच सहेलियां पानी लेने के लिए जाती है। पांच धनी राम बाजार से तीन मछली लाता है और लीलाबाई को देता है। लीलाबाई उसे धोती है, काटती है, पकाती है। थोड़ी देर के बाद लीलाबाई धनी राम को आवाज लगाती है, सुनते हो भोजन बन गया है, भोजन कर लो, धनी राम आता है। टिक टिका टिका टिका, 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 टिक टिका टिका। लीलाबाई धनी राम को एक मछली देती है। जैसे ही धनी राम थाली के अंदर एक मछली देखता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जोर से थाली नीचे फेंकता है और कहता है, मैं तीन मछली लाया। मैं क्यों ना धोखा, 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 मैं क्यों ना धोखा। लीलाबाई धनी राम से कहती है, मैंने उसको धोया, काटा, पकाया। मैं क्यों ना धोखा, मैं क्यों ना धोखा, मैं क्यों ना धोखा, मैं क्यों ना धोखा। गांव के लोग उन दोनों का झगड़ा देखकर कहते हैं, अरे ये दोनों तो बड़े प्यार से रहते थे, आज ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं, चलो देखते हैं। टिक टिका टिका टिका, टिक टिका टिका टिका, टिक टिका टिका टिका, टिक टिका टिका, टिक टिका टिका, टिक टिका टिका, टिक टिका टिका। गांव के लोग उन दोनों से कहते हैं, अरे आप दोनों तो बड़े प्यार से रहते थे, आज आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो गांव के लोगों को धनी राम कहता है, मैं तीन मछली लाया। मैं क्यों ना धोखा, 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 मैं क्यों ना। लीलाबाई गांव के लोगों से कहती है, मैंने उसको धोया, काटा, पकाया। मैं क्यों ना धोखा, मैं क्यों ना धोखा, मैं क्यों ना धोखा, मैं क्यों ना। गांव के लोग उन दोनों को समझाते हैं कि झगड़ा मत करो, मिल बांट के खा लो, लेकिन वो गांव के लोगों की नहीं सुनते हैं। गांव के लोग थक हार कर समझा बुझा कर वहां से चले जाते हैं। टिक टिका टिका टिका, टिक टिका टिका, टिक टिका टिका टिका, टिक टिका टिका टिका, टिक टिका टिका टिका, टिक टिका। गांव के लोगों के जाने से बाद धनी राम और लीलाबाई फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं। धनी राम लीलाबाई से कहता है, मैं तीन मछली लाया। मैं क्यों ना धोखा, मैं क्यों ना धोखा, मैं क्यों ना धोखा, मैं क्यों ना धोखा, मैं क्यों ना धोखा। लीलाबाई भी कम नहीं थी, वो भी
धनी राम को कहती है, मैंने उसको धोया काटा पकाया। मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना धोता, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना। झगड़ा झगड़ा करते करते रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। दिंग चिका 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 दिंग चिका 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 दिंग चिका दिंग चिका 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 दिंग चिका 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 दिंग चिका। सुबह होती है, थोड़ी देर के बाद अखबार वाला आता है, अखबार वाला, अखबार वाला, अखबार वाला, अखबार वाला, अखबार वाला। अखबार वाले के जाने के बाद दूध वाला आता है, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला। उन दोनों के जाने के बाद लीलाबाई और धनीराम अंगड़ाइयां लेकर खड़े होते हैं और फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं। धनीराम लीलाबाई से कहता है, मैं तीन मछली लाया, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना धोता हूँ। लेकिन लीलाबाई भी कम नहीं थी, लीलाबाई कहती है धनीराम से, मैंने उसको धोया काटा पकाया। मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना। उन दोनों की झगड़े की बात सरपंच साहब के कानों तक जाती है और सरपंच साहब आते हैं। दिंग चिका 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 दिंग चिका 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 दिंग चिका 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 दिंग चिका चिका दिंग चिका 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 दिंग चिका चिका। सरपंच साहब उन दोनों को कहते हैं, अरे आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, आप लोग क्या हुआ, ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो सरपंच साहब को धनी राम कहता है, सरपंच साहब मैं तीन मछली लाया, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना। फिर सरपंच साहब को लीलाबाई कहती है, सरपंच साहब मैंने उसको धोया काटा पकाया। मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना धोता हूँ, मैं क्यों ना। उन दोनों की बात को सुनकर सरपंच साहब सारा मामला समझ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद उन दोनों से कहते हैं, आपस में तुम क्यों हो लड़ते, आधा आधा क्यों ना खाते, आधा आधा क्यों ना खाते। सरपंच साहब की बात को सुनकर वो कहते हैं, अरे ये तो हमने पहले सोचा ही नहीं, हम आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों ना हम आधा आधा खा लें। इससे हमें जीवन में ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। आबुनी पधारो मार दे, मारू मार दे सुनो मैं काई करा बका, मारू मार दे सुनो मैं काई करा बका, बरती सुनहरी ले रियो रंगीलो राजसा, बरती सुनहरी ले रियो केसरियो राजसा। आबुनी पधारो मार दे, ओ आबुनी पधारो मार दे, पधारो मार दे, पधारो मार दे, पधारो मार दे।